अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। जिस तरह से लास्ट टाइम हमने डॉलन्स ऑटोमेटिक मशीन की वीडियो अपलोड की थी, जिसका मॉडल नंबर है DW255, तो आज मैं इसका आपको कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डियर, ये बहुत इजी है इसको यूज़ करना, कोई इसमें कोई मुश्किलात नहीं है इसको यूज़ करने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। जब मैंने ये इसको इंस्टॉल किया तो इसका ये ख्याल रखना है कि इसका जो टेप वाला नल है वो ओपन होना चाहिए, खुला रहना चाहिए कंटिन्यूसली। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको पावर का बटन ऑन करेंगे। जिस तरह से हमें इसका पावर का बटन ऑन करेंगे तो ये इस पे आ रहा है कांस्टेंट पे आ रहा है कि इसकी जो लाइट है ये कंटिन्यूसली ऑन हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे पानी। ये लिखा हुआ है इसका वाटर लेवल। ये वाटर लेवल आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं कि जितने आपके कपड़े होंगे उतना आपको इसमें पानी डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी टोटल जो वाटर लेवल है ये है 10, मतलब अगर आप 5 जोड़े डालेंगे तो आप इसको 5 की लेवल पे रखेंगे। अगर आपके पास 6 जोड़े हैं, 7 जोड़े हैं, तो इसके तरह आप इसको ऐड करेंगे और इसमें आप पानी डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 2 जोड़े हैं या 3 जोड़े या 4 जोड़े या 5 जोड़े, तो मैं इसके लेवल ऐड करूँगा। जिस तरह से मैं इसमें लेवल ऐड करूँगा तो इसमें क्या होगा, मेरा टोटल टाइम शो करेगा टोटल वाश का। जिस तरह से मैं इसको ऑन करूँगा, इधर से स्टार्ट करूँगा, तो इसमें पानी डालना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें ये पानी डल रहा है। जिस तरह का मैंने इसमें लेवल शो किया था उतना ही इसमें पानी डलेगा और ये उधर ये स्टॉप हो जाएगा। अब दूसरी बात, हम इसमें सर्व और लिक्विड कहाँ से डाल सकते हैं। ये इसमें एक सॉकेट दी हुई है जिसमें आप लिक्विड, अब दूसरी बात, अब ये कि हम इसमें लिक्विड और जो है हमारी सर्फ वो कहाँ से डालें, तो इसमें ये सॉकेट डाला हुआ है कि अगर आपको सर्फ डालनी है तो आप इसमें डालें, अगर आपको कोई लिक्विड वगैरह डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। जिसमें ये आप इसमें डालकर आपकी इधर से वाटर लेवल जो है वो सेट हुई हुई है, आप इधर से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये पानी ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होता जाएगा। जितनी लेवल आपने इधर से सेट की हुई है उतना इसमें पानी डलेगा। जब इसमें ये पानी डल जाएगा तो ये इसमें 3 फंक्शंस ऑन होंगे। पहले ये आपके कपड़ों को धोएगा, फिर उसके बाद राइस एंड स्पिन करेगा आपके कपड़ों को, फिर थर्ड जो उसका फंक्शन होगा फिर वो आपके कपड़ों को पहले पानी जो होगा वो पूरा निकाल देगा, फिर आपके कपड़ों को वॉश करेगा। ये था इसका ऑटोमेटिक फंक्शन। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम मैन्युअली कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमारी अमूमन जो दूसरी वॉशिंग मशीन होती है उस तरह से। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको पावर ऑन करेंगे। अब हम इसमें जाएंगे प्रोग्राम्स में। जैसे ही हम प्रोग्राम्स में जाएंगे तो ये अलग अलग पे शो हो रहा है, जैसे राइज एंड स्पिन। कपड़े सिर्फ हमारे क्या होंगे, धुलेंगे और उसका पानी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये एक्सट्रीम ड्रायर पे आ जाएगा, इसमें क्या होगा, जो हमारे कपड़े होंगे वो सिर्फ सूखेंगे, उसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो कपड़े हमारे सूखेंगे। ये टब क्लीन का है, ये हम टब क्लीन उस टाइम पे यूज़ करते हैं जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो उसका जो पूरा टब है वो जब वो पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा इसमें जो है वो मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको टब क्लीन को टब क्लीन के बटन को प्रेस करके हम इसको स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा टब क्लीन हो जाएगा। ये भी नेसेसरी है इसके लिए। फिर हम क्या करेंगे, टब क्लीन पे आ गया, अब हम आएंगे कांस्टेंट पे और फ्लैश पे। जिस तरह से हम इसको फ्लैश को करेंगे तो हमारे जो है कपड़े सिर्फ वॉश होंगे और कुछ नहीं होगा, ना कपड़े को ड्राई करेगी, ना कुछ करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ वो वॉश करेगी हमारे कपड़ों को। फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े जो हैं वो राइज एंड स्पिन हो तो ये इसका ये फंक्शन है। अगर हम चाहें तो हमारे सिर्फ जो है पानी निकल जाए कपड़ों का तो वाटर रिसाइकल होगा। ये सारे जो हैं फंक्शंस इसके हैं।
इसमें अगर हम चाहें तो अगर हमारे कपड़े जो हैं वो ज़्यादा हैवी हैं, जैसे हम रज़ाई वगैरह धो रहे हैं या हमारी जैकेट्स वगैरह हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम हैवी पे रखेंगे। हैवी पे रखेंगे तो क्या होगा, हमारे जो जो हैवी जैसे हमारी जीन्स पैंट्स हो जाती हैं वो सारे इसमें वॉश हो जाएंगी। अगर सॉफ्ट कपड़ों की बात करूं तो सॉफ्ट कपड़े जैसे हो गए हमारे लॉन के कपड़े हो गए या हमारे कॉटन के कपड़े हो गए, तो हम उसमें वो भी धो सकते हैं। अगर मैं अगर बात करूं फास्ट ऑप्शन की, तो इसमें क्या होगा, जो टोटल टाइम होता है वॉश का वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें टाइम शो हो रहा है 23 मिनट्स लेगा अगर हम फास्ट पे इसको चलाएंगे तो। तो ये था टोटल ओवरव्यू जो ऑटोमेटिक यूज़ करने का। अब मैं आपको एक दूसरा डेमो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, कौन से कपड़े डाल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि इस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है, अब मैं इसमें कपड़े डालने जा रहा हूँ। कितने कपड़े डालेंगे, कितनी वाटर लेवल इसमें जाएगी, कितना टाइम इसका सेट होगा, आज मैं आपको ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 4 कपड़े हैं, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 1, 2, 3 और 4। ये मैंने इसमें अब कपड़े डाल दिए। अब मैं इसमें डिटर्जेंट डालूंगा इस वाले सॉकेट में, ये ऑप्शनल है, आप इसमें डाल सकते हो। डिटर्जेंट जो आपका होगा वो आप इसमें डालोगे, अगर आपको लिक्विड डालना है तो आप इसमें डायरेक्ट लिक्विड डाल सकते हो, पर डिटर्जेंट जो है वो इसमें डलेगा। तो अब मैं इसमें डिटर्जेंट डाल रहा हूँ, जिस तरह आप देख सकते हो कि इसमें मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। अब मैं इसके आ जाऊंगा दूसरे फंक्शंस में, पहले हम इसको ऑन करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने 4 कपड़े डाले हुए हैं, तो उस 4 कपड़े के हिसाब से मैं इसकी वाटर लेवल सेट करूंगा इधर से। तो मैं इधर वाटर लेवल के बटन को मैं प्रेस करूंगा, तो मैं इसको रखूंगा 4 पे। अब मैं 4 पे रख के अब मैं जब इसको स्टार्ट करूंगा तो ये टोटल टाइमिंग भी बता देगा, ये टोटल टाइम लेगा 46 मिनट्स। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा इधर से, तो इसमें से ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक मशीन खुद अपना काम करेगी, खुद ही धोएगी, खुद ही राइज एंड स्पिन करेगी, सारा ये प्रोसीजर खुद ही करेगी, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही धोएगी, खुद ही छिंचोरेगी, सारा कुछ ये खुद ही करेगी। अब जैसे ही इसमें ये पानी डलेगा तो क्या करेंगे, हम इसको ये बंद कर देंगे। अब इसमें एहतियात ये रखना है कि जब ये मशीन ऑन हो जाएगी तो हमें इसका ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इसमें कपड़े डाल दिए हैं और हम इसका जो ढकना था वो हमने बंद कर दिया है। अब एहतियात ये रखना है कि जब ये मशीन ऑन हो जाए तो हम इसका ढकना नहीं खोलना है, वरना क्या होगा, ये मशीन काम नहीं करेगी, ये खुद ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसमें 4 कपड़े डाले थे, तो ये टोटल टाइम ले रहा है, इसमें लिखा हुआ है एंड मिनट्स, तो ये कितना टाइम लेगी, ये लेगी 45 मिनट्स। अब इस 45 मिनट्स में ये मशीन क्या करेगी, ये पहले पानी डालेगी, फिर कपड़ों को धोएगी, फिर क्या होगा, ये राइज एंड स्पिन करेगी, मीन्स पानी डलेगा, फिर वो मशीन चलेगी, कपड़ों को धोएगी, फिर पानी निकालेगी, फिर दूसरा पानी पड़ेगा, फिर कपड़ों को धोएगी, फिर आखिर में क्या होगा, वाटर रिसाइकिल होगा और फिर हमारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। मींस ये 44 मिनट्स में ये क्या करेगी, ये सारे फंक्शंस जो हैं, ये वॉश करेगी, राइज स्पिन करेगी, वाटर रिसाइकिल करेगी और एक्सट्रीम ड्रायर करेगी, ये चारों जो फंक्शंस हैं ये 44 मिनट्स में करेगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कपड़े हमारे धुले हैं कि नहीं धुले, जब ये पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा तो मशीन क्या करेगी, बीप करेगी, बीप बीप करेगी, इससे क्या पता चलेगा कि हमारे कपड़े जो हैं वो वॉश हो गए।
जी व्यूअर्स, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कपड़े डाल दिए हैं और ये मशीन चलना शुरू हो गई है। ये 44 मिनट्स लेगी, उसके बाद बीप बीप की आवाज़ आएगी जिससे पता चलेगा कि हमारे कपड़े वॉश हो गए हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो डॉनल्स DW255 का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड और भी आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।